गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। अभी खुद से इंट्रो देना तो भूल गए, तो मैं वॉइस ओवर में इंट्रो दे रही हूँ। मॉर्निंग मॉर्निंग आप देख रही हो, मैं पनीर पराठा बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग जितना हो सके देखने की कोशिश कीजिए। कमेंट तो आते हैं, लेकिन लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगेगा। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके रूम का बेड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वाला जो रूम का बेड था वो बहुत बड़ा था, मतलब हाइट में। और हर्षिता को कूलर का जो कूलर के हवा नहीं लगता था, सिर्फ मुझे ही लगता था, तो इसीलिए हर्षिता के पापा का जो बेड था वो थोड़ा सा हाइट में छोटा था, तो इसीलिए वही लेके आया। और हमारा रूम के बेड उनके पापा के रूम में दे दिया, बेड वगैरह सेटअप कर दिया पूरा। फिर आगे मैं किचन में, और किचन में आप देख रहे हो इधर मिल्क, और मैंने उधर मार्केट में गई थी तो उधर से आइसक्रीम मिक्स का, रेडीमेड आइसक्रीम मिक्स का जो पैकेट है वो लाए थे। अभी मैं 200 ml और फुल पैकेट, मतलब 200 ml मिल्क के साथ मैं व्हिप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बीटर नहीं था तो मैं हाथ से किया। भी फिर उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा 2 घंटे के बाद, फिर व्हिप करके फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा पूरी दिन के लिए। चिकन हो गया इधर और रायता रेडी किया, और अभी मिर्ची का डंडा निकाल के, मतलब एयरटाइट कंटेनर में रख दूँगी, तो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। कम मिर्ची लाई ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। राइस, चिकन और रायता आज के लंच मांग किया, और अभी बहुत भूख लग रही है, खाना वाना खा लेते हैं। लेट भी हो गया है काम करते करते, और किचन का रेसिपी नहीं बताया क्या, किचन का क्या मतलब, छोड़ा किचन के लिए चिकन का क्या डेली रेसिपी, मतलब सभी जानते हैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, वही सिंपल से अपने कम मसाले में बनाया है। चलो खाने के बाद, खाना पीना होने के बाद मिलते हैं। और ऐसी तो देखो चिकन खा रहा है, बार बार आ रहा है, खाना खा लेके उसके बाद मिलते हैं। दोपहर चाय के, शाम की चाय के लिए मैंने इधर चावल बिठाया, चाय रेडी किया और बन फ्राई किया है। और हर्षिता का मिल्क गर्म है, ठंडा करने के लिए रख दिया। फिर हम लोग खाना, मतलब नाश्ता वास्ता करके, स्नैक करके वॉकिंग के लिए आ गए। हर्षिता और उसके पापा उधर गए थे, और देख लीजिए जगह इतना प्यारा है, मुझे बहुत ही पसंद है इधर थोड़ा सा वॉकिंग करने में। थोड़ा सा पतला हो रही हूँ, होने की कोशिश कर रही हूँ, पतला कहाँ होंगी, फैली जा रही हूँ, बट डेली थोड़ा सा वॉकिंग करना अच्छा होता है, क्योंकि मैं थायराइड पेशेंट हूँ, मेरे लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है डेली वॉक करना, लेकिन होता नहीं है, कभी कभी हो पाता है, अभी आजकल यही हो रहा है। चलो आज टाइम मिले थोड़ा सा वॉकिंग कर लेती हूँ। हम लोग आ गए थे, फिर फील्डिंग में चली गई थी, और हर्षिता वॉकिंग करना नहीं चाह रही थी, नाटक। शाम का वॉकिंग वगैरह करके आने के बाद फिर थक गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। हर्षिता को खाना वाना खिलाया, उसके बाद सुला दिया है, और शाम को खाना नहीं बनाया था, चिकन बनाया था, तो वही था, तो उसी से काम चल गया है। आज पता नहीं कल का क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, अभी डेली ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, वैसे भी इतना रिस्पांस नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाते हो, बट स्टिल मैं फिर भी डेली कोशिश करती हूँ, छोटा मोटा जो भी मिलता है वैसे ब्लॉग देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, वैसे भी आप लोग फुल देखने वाले नहीं हो, सो जो देखते हो उसको तो दिल से थैंक यू, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रहा है, चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू।